खाना नहीं, फोटो अरे खींच रहा हूँ खींच रहा हूँ यार, फोटो खींच रही हेलो दोस्तों, मेरे इस नए ब्लॉग में आज हम जा रहे हैं शादी में, अपने भाई की शादी में। और अभी सीढ़ी चढ़ रहे हैं ऊपर, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखिए जंगलों में है ये। आगे आगे और भाई लोग जा रहे हैं, काफ़ी दूर है, चढ़ाई बहुत है। अबे रास्ते में दूर आए आ गए, देखो हम जाएं किस तरफ। कन्फ्यूज, आधे इधर जाओ, आधे इधर, ये सही का हटल 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 बेटा, भाई साहब किधर जाना समझ में नहीं आ रहा है। 5 किलोमीटर और है, 5 किलोमीटर और है पहाड़ का रास्ता, और बारात में 5 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं ये ऐसे MNC वाले लोग। भाई साहब कैसा लग रहा है आपको पहली बार गांव आके? बहुत बढ़िया, पहली बार नहीं है हमारा, हम गांव से ही हैं। अच्छा, तुम गांव से ही हो? पालन पोषण सब कुछ यहीं हुआ है। अच्छा, गांव की शादी में जाने का अलग ही मजा है। देखो पगडंडियों से होते हुए जा रहे हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे और खेती नजर आ रहे हैं, बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण। अच्छा, बारात यहीं पर रुकी है यार, बारात की हमको आवाज़ आने लग गई है, बैंड बाजेगी, लगता है हम पहुँच गए। अरे फोटो खिंचाने के लिए रुक गए हैं यहाँ पे, फोटोग्राफी चलेगी अभी। आप कैमरामैन बनोगे या एक्टर बनोगे? हम ना एक्टर है ना कैमरामैन है, हम तो आम आदमी है। अच्छा, तो तुम पोज बताओगे? पोज भी नहीं बता सकते। ये देखिए बच्चे भी जा रहे हैं, कह रहे गंदे लग रहे हैं, सबसे गंदी खुशी लग रही है, खुशी लग रही है सबसे गंदी। तो मैं बराती का निमंत्रण है, मैंने इनको बोला बराती का है नहीं है, ये फिर भी लागे। मैंने कह दिया बारात कम जाने को, कोई भी ये देखो थक गई है ऊपर आने में। हाँ थकान दूर हो गई। सिया कहाँ जा रहे हो तुम लोग? और दीदी, दीदी कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा थोपड़ा तो दिख नहीं रहा, जरा दिखाओ तो सही, कैसे तैयार हो गए, कौन अच्छा लग रहा है? तभी तो लोग कमेंट में बताएंगे। हेलो, कमेंट में तभी लोग बताएंगे इनमें से अच्छा कौन लग रहा है। थ्री थाउजेंड स्टेप चलना है। अच्छा, ये कह रही है 3000 स्टेप चलो। अब दिख गई रिद्धि, रिद्धि का मेकअप अभी तो चलती चलती दिख गई। हाँ अब इसका भी दिखाओ, अब बताओ भाई कमेंट में कौन ज्यादा स्मार्ट लग रही है। सबसे आगे देख, खुशी यार दी, हमें निकल आगे। अभी जाओ, इतने देखो रास्ते में अभी इनको मन हो गया कि ये फोटो सेशन कराएं अपना, फोटो खींचने का। जाओ आप जाओ, जाओ तुम भी जाओ, ना ना तुम जाओ, अरे पूरे साथ में सब। हाँ हाँ, ये ब्लॉगिंग बच्चा करो, खुशी स्माइल। ये रिद्धि ने मुंह स्माइल नहीं किया। मैं भी आऊँ, मेरे को भी जाने को बोल रहे हैं, ये भी थोड़ा कर लेना। मैं कैसे करूँ? एक हाथ से थोड़ी देर कर ले, फिर पॉज कर देना। ये हम भी आ गए हैं, अब एक ग्रुप फोटो हो रहा है। अरे ऐसे काम करो, कैसे करना है? कैसे बच्चे आप लोग रहे बच्चे ऐसे करो रहे, जिसको जो करना है हम भी करेंगे। दादा यहाँ देख लो, ओ बिरयानी चलो, मुझे भी तो बताओ। तू जाएगा, हम फोटोग्राफर को भी खींच लेते हैं। चलो तो, ये थे अभी तक हमारे फोटोग्राफर। देखो दो साइड से लड्डू, ये देखो। और ये बारात की आवाज आने लग गई है, फाइनली हम पहुंच गए हैं, और रास्ते में हमने पकड़ लिया है, हम यहाँ से बारात के साथ सम्मिलित हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो खुशी भी झूमने लग गई है डांस करते हुए। और ये देखिए बारात बिल्कुल गांव के बीचों से होते हुए जा रही है, असली मजा यही है पहाड़ी बारातों का। ये देखो चारों तरफ जंगल है, लग रहा है कुमाऊनी बारात।
अधिकतर तो लोग बैंकेट हॉल कर लेते हैं, तो ये ट्रेडिशनल मजा रह जाता है। तो ये ट्रेडिशनल मजा लेने का आज मौका मिला, तो मैं चूका नहीं और आगे आपके लिए ब्लॉग लेके नया। देखिए दूल्हे राजा वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं छतरी के नीचे। ये देखिए भैया जा रही है बरात। खुशी 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 आगे देख के चलो। बारात पहुंच चुकी है बिल्कुल दुल्हन के घर के सामने। बारात यहाँ जम के डांस करेंगे, शिया भी डांस करेगी। और फाइनली हम पहुंच गए हैं दुल्हन के घर पे। और देखिए यहाँ पे ये रिबन काटने की रस्म जारी है। थोड़ी यहाँ पर जीजा साली में नोकझोंक होती है, उसके बाद जो शगुन होता है उसको लेके थोड़ा बहुत दोनों पक्षों की तरफ से वर वधू और की तरफ से बार्गेनिंग टाइप की होती है लगाई आप। यही एक खूबसूरती है पहाड़ी कल्चर की और पहाड़ी शादियों की। तो यहाँ पर अभी कुछ ऐसा ही होता हुआ आप देख रहे हैं। कलश लिए हुए हैं और दूल्हे राजा गेट पे, उन्हें रोका गया है अभी। जब तक उनके शगुन की बात ना हो जाए वो अंदर जाने भी नहीं देंगी सालियाँ। और आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी तरफ, जो पहाड़ में शादियों में रसोई होती है, पहाड़ का वो किचन शादियों का कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग पूरियाँ तल रहे हैं,
चार पांच लोग यहाँ पे बैठे हैं और एक बड़े भगोने में यहाँ पे पानी उबाला जा रहा है और ये इस तरफ आटे की लोई बनाई जा रही है और उस तरफ कुछ लोग बैठे हैं पेड़ की छाँव में गप्पे मारते हुए। ये देखिए पूरी चारों तरफ से जो पहाड़ी है उन पे पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको और ये सीढ़ी नुमा खेत हैं और यहाँ पर ये बर्तन धोने वाली महिला, इनका काम है, ये यहाँ पे बर्तन धोएंगी और फिर वो वहाँ तक पहुँचेंगी। मैं आपको चारों तरफ दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ पे रोटी बन रही है और ये देखिए चूल्हा, लकड़ियाँ ला के यहाँ पर लकड़ियों से जला के लकड़ियों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह के बड़े बड़े भगोने होते हैं जिन पर दाल चावल चटनी वगैरह ये सारी डिशेस बनाई जाती हैं। तो अब मैं आपको दूर से इसका व्यू दिखाता हूँ। देखिए मैं काफ़ी ऊपर एक पगडंडियों से होता हुआ सोड़े शादी के घर से थोड़ा दूर आ गया हूँ और मैं यहाँ से देखना चाह रहा हूँ कि कैसा लगता है। देखिए क्योंकि एक पहाड़ की शादी में हम लोग आए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत ये यहाँ पर प्रकृति नज़ारा है। ये देखिए यहाँ पर पानी का टैंक भी मुझे दिखाई देने लग गया है, अब मैं इसके पास जाता हूँ। बेसिकली ये पानी यहाँ पर सिंचाई के लिए यूज़ होता है और इस तरह की टैंकियाँ बना के जो सीढ़ीनुमा खेत होते हैं इसकी सहायता से बरसात के पानी को रोक कर और खेती में उसको सिंचाई के लिए यूज़ पे लाया जाता है। ये टैंकी आप देख रहे हैं फुल है पानी से भरी हुई और नीचे आप देख रहे होंगे वो खेत हैं सीढ़ीनुमा, यहाँ से पाइप के थ्रू उन तक पानी पहुँचाया जाता है। बिल्कुल नीचे देख रहे हैं आप वैली दिख रही है, वहाँ पर वो खेत दिख रहे हैं, हरे भरे खेत हैं। तो ये टैंकी इस चीज़ में काम आती है। ये पीछे आप मेरे घर देख रहे हैं और ये देखिए। और अब मैं थोड़ा शादी में डांस कर लूं क्योंकि आया हूं तो थोड़ा नाचना बनता है। देखिए अभी जिस गाने पे हम डांस कर रहे हैं वो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, सुना नहीं सकते मीन, क्योंकि वो YouTube का इशू है ना, स्ट्राइक्स वगैरह आ जाते हैं। फिलहाल ये गाना है मेरे यार की शादी है। तो इस तरह से हमने खूब इंजॉय यहाँ पर किया है, शादी का भरपूर आनंद ले रहे हैं हम क्योंकि ये मेरी बुआ के लड़के की शादी है और अपना नाचना तो बनता है। तो आप बताइए आपको कैसा लगा डांस भी और मेरा ये ब्लॉग भी। और प्लीज़ और देखिए ये यहाँ पे डांस बिल्कुल पूरी जोर शोर से चालू है, हमारे भाई लोग और ये मेरी मिसेज हैं और मेरे भाई की मिसेज हैं, सब लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं फुल इन्जॉय। और अब देखिए आप जो यहाँ पर सीन है बिल्कुल शादी का क्या कहते हैं उसको, क्लाइमैक्स समझ लीजिए आप एक तरह से। दूल्हा और दुल्हन, दूल्हा स्टेज पर दुल्हन को लाते हुए, अरे देखिए हाथों में हाथ है और अब स्टेज पे ले आए हैं दुल्हन को और यहाँ पर अब वरमाला होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं सभी शादियों में अमूमन यही होता है, स्टेज में दूल्हा दुल्हन आते हैं और उसके बाद एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है, एक दूसरे को वरमाला ये पहनाएंगे और बाकी हम सब यहाँ पर बराती आए हुए हैं, इसी पल के लिए हम यहाँ पे आए थे फुल एंजॉय के लिए। ये देखिए आज हमारा भाई बहुत खुश है, ये देखिए अगल बगल सालियाँ भी खड़ी हुई है उनके, तो और ज़्यादा खुश हो गए हैं वो, अभी अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकते क्योंकि बगल में धर्मपत्नी जी हैं उनकी होने वाली। तो देखिए ये बिल्कुल रस्म शुरू हो चुकी है, दोनों ने वरमाला उठा ली है। अच्छा अभी कैमरा मैन ने देखिए थोड़ा सा पोज देने को बोल दिया तो थोड़ा सा रुके हुए हैं यहाँ पर, अलग अलग एंगल से सब लोग फोटो खींच रहे हैं। किसी भी जोड़े के लिए ये दिन एक नई शुरुआत होती है, यहाँ वो अपने नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत करता है और उसी खुशी में उसके दोस्त लोग जम के झूमते हैं नाचते हैं। और देखिए जिस प्रकार ये नाच रहे हैं और सभी लोग उनको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं उनके आमंत्रण पर, और फोटोग्राफर जयमाला को पूरा कवर कर रहे हैं। देखिए मैं आपको करीब से दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, दोनों वर-वधू काफ़ी खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए वधू ने वर के गले में वरमाला डाल दी है और अब बारी है वर की। और इस प्रकार देखिए यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को इतने बारातियों के सामने साक्षी मान के अपना जीवन साथी चुन लिया है और हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं
कि इनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे। ये देखिए सभी बाराती अपने अपने फोनों से इस क्षण को कवर करते हुए। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अब हम चल रहे हैं रोड के किनारे, आ गए हैं वापस नीचे की तरफ। नीचे हमारी कार खड़ी है। हेलो, आज मैं आई हूँ रात पे जो खत्म हो। कहाँ आई हो आप? रात पे आई थी जो मेरे को। बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। वीडियो बन रहा है, फोटो खींचने की जरूरत नहीं। निकल गया वो। देख जोर से दांत जोर से मत हिला, बस दांत जोर से पकड़। ऐसे कर अंडे में, ऐसे अभी मत पकड़ो, वो आएंगे पीछे से पकड़ते हैं। देखो दांत हिल रहा है, काउंटिंग करेंगे। खाना नहीं, अरे खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ। चलो यार फोटो खींचते हैं। देखो पूरा पी गया, किसी से पूछा भी नहीं इसने कि पियोगे करके। ऐसे ऐसे लोग हैं बताओ। अब पूरी बोतल खाली कर दी। ये भी पी ले, अब क्या देता है इसको। पी ले पी ले पी ले, हम आगे पी लेंगे, पी लेंगे पी लेंगे। ऐसा दलिद्दर आदमी को दोबारा से हम साथ में नहीं लेके आएंगे। देख लो भाई, वो पहचान लो उसको, शादी में मत ले जाना अपने साथ। ब्लॉग तो बनी रहा हो। सबसे ज्यादा मजे तो इन्होंने लिए। तुमको ऐसे इसको नहीं है यार। और खुशी के, खुशी को कैसा लगा? इसको तो गंदा ही लगता। क्या हो गया? चल अब तू यहाँ पे क्यों रुकी है? चल चल, फोटो नहीं खींच रहा हूँ। नहीं फोटो नहीं खींच रहा, इसको फोटो खिंचाने की बहुत होती है। नहीं खींचनी फोटो, चल ठीक है फोटो खींच रहा हूँ बेटा। चलो चलो चलो, अरे हो गया टाइम जाने का। वो देखो सब लोग तैयार हो गए, वहाँ गाड़ी वेट कर रही है। हाँ चल खींचता हूँ, चल अब इसकी फोटो खींचनी पड़ेगी मेरे को, उसके बाद ही जाने को कह रही है। देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है। रुकने के लिए यहाँ पे अभी अंडर डेवलपमेंट है, पीछे की तरफ ही बन चुका है। झूले का मजा लेते हुए। हाँ बोल। अच्छा तेरी बटरफ्लाई की वीडियो बना लेते हैं। झूला तेज कर लेता पहले पहले से। हो गई झूल भी, झूल फोटो खींचनी है, फोटो भी खींचनी है। खींच दी, एक मिनट सिग्नल खींच दो। और ये वापसी हो चुकी है हमारी, हमने ड्राइवर बदल दिया है। देखो ये है ड्राइवर, आप देख ड्राइवर सामने नहीं देख रहा था अभी। और रिद्धि का दांत अभी टूटा नहीं है, देखते हैं कब तक टूटेगा। वो हिल रहा है अभी, हिल रहा है। एक बार हिला तो रिद्धि, 20 तक गिनती गिन के हिला। हिला चल हिला, बंद हो गई ना।
वाली हाथी किसको देखना है? कहाँ देखती है मॉर्निंग में? मैं फोन में देखती हूँ। ओह, ये तो फोन में देखती है। मोर भी फोन में देख लो। मोर मुझे असली में अच्छे लगते हैं ना। मोर देखेंगे अभी। वो देख मोर दिख रहा। अरे वो तो कोई बात। खुशी तो अच्छी लग रही। अरे बाद में आना मैं। अरे रिद्धि तो कौन ले आई? तू क्या लेके आई? ये क्या लेके आई है? ये भी एक आइसक्रीम ले आई, इसका नाम हम नहीं दिखाएंगे, स्पॉन्सर। रिद्धि तू दिखा क्या लाई है? नाम मत दिखा उसका। Thank you.